भारत का आधिकारिक नाम हिंदी में भारत गणराज्य है एवं अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में 55,000 साल पहले आए थे। 1,000 वर्ष पहले ये सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ बसे हुए थे, जहां से इन्होंने धीरे धीरे पलायन किया और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए। 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और तब तक यहां पर हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। 400 BC तक आते आते हिंदू धर्म में जातिवाद देखने को मिल जाता है। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे होते हैं। प्रारंभिक राजनीतिक एकत्रीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। उनका समाज विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा ली। मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ, जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया तथा अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश राज शासन 1858 में शुरू हुआ। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अहिंसक विरोध के लिए जाना गया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रमुख कारक बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती हैं।